हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। मैं आज आप लोगों के लिए एक आईपीओ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। इस आईपीओ का नाम है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स आरडीआईटी। ठीक है, तो ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है? ये एक रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है, ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो ओन करती है, ऑपरेट करती है, फाइनेंस करती है इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में। ये कंपनी अपना एक आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये 4,500 करोड़ का एक आईपीओ है जो एक फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल के। फ्रेश इशू जो पैसा है वो कंपनी के बैलेंस शीट पे जाता है। 1,000 करोड़ का जो है कंपनी इसको यूज करने वाली है, और जो पुराने शेयर होल्डर हैं ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का जो है शेयर्स पब्लिक को, ये जो है ये कंपनी के पास नहीं आता, ये अर्ली इन्वेस्टर है। इस आईपीओ में जो है, ये आईपीओ कैसा है? तो ये आईपीओ जो है एक कंपनी का एक एक ब्रांड है माइंड स्पेस, और दूसरा जो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जो है ओवर द ईयर देखा जाए तो 2,300 से जो है जम करके 5,100 है। बीच में एक स्लोडाउन आया था लेकिन ठीक ठाक है, चल रहा है अच्छा। लेकिन इसमें बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो है रिटेल वालों के लिए नहीं है, नॉन रिटेल के लिए जो है ओपन किया गया है। इसमें जो है नॉन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें एक लॉट जो है ऑलमोस्ट कितने शेयर्स है, ये 200 शेयर्स है। 200 शेयर्स के मल्टीपल में कोई बिड कर सकता है जिसकी वैल्यू जो है 55,000 है। तो इस आईपीओ को हम एक अर्लियर आईपीओ से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक एम्बेसी करके आया था, एम्बेसी ऑफिस पार्क आया था, वो भी सिमिलर लाइन में था, सेम बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे जो है आप देखो कि इनकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी थी, 900 मिलियन से बढ़ते बढ़ते जो है 2,800 अच्छा चल रहा था परफॉर्मेंस। ये भी जो है आपको रिटेल वालों के लिए था, नॉन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन के लिए था। और ये आईपीओ जो है ओनली 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था क्योंकि बड़ा साइज है। तो ऐसा ही सिमिलर लाइन में जो है यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही होगा। तो माइंड स्पेस में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी के आसपास होगा, जैसा कि हम तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, रिटेल वालों को अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो इस आईपीओ को कैसे हमें लेना है? इस आईपीओ को जब ये आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है, मतलब कि शेयर्स की लिस्ट हो जाती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा डिसेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा है, आप उसमें कर सकते हैं। या आपके पास यदि आप एनआई कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एनआई कैटेगरी में आप देखो कि आपके अकाउंट में एक्टिवेटेड है एनआई है, तो एनआई ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक 55,000 का आपको प्लॉट लेना पड़ेगा, उसमें आप 8-10% का जो है, 10% का आप एक कंजर्वेटिव टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्बेसी में भी जो है कुछ 10% के आसपास रिटर्न आया था। एम्बेसी का जो चार्ट हम देखते हैं, ये एम्बेसी का चार्ट है, एम्बेसी का आप देखो कितने पे कंपनी ने बेचा था, ये जो है 300 का, 300 शेयर्स का बेचा था, और उसमें जो लिस्टिंग गेन हुई थी कंपनी 3,08 के आसपास, आप देखो तो 3% का रिटर्न आपको दिख रहा था वहां पर। लेकिन यदि आपने किसी ने होल्ड किया होता तो एक अच्छा रिटर्न मिलता। और ये जो है आप यदि यहाँ से देखें, तो इसमें जो है एक जो स्टॉक में पीक आई थी वहां तक देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 66% का, तो 230 डेज में, 230 दिनों में जो है 66% का रिटर्न आया था ऑलमोस्ट जो है, आप ऑलमोस्ट जो है आपका 1 ईयर में जो है 66% रिटर्न आया था। रिटर्न इसमें भी आ सकता है, अच्छी है। तो आप जो आईपीओ जब जब लिस्ट हो जाता है शेयर्स, तो आप वहां पे फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जितना शेयर्स लेना आप ले सकते हैं, आपके पास पैसा है तो एनआई कैटेगरी से कर सकते हैं। ये हमने क्विक डिटेल दिया आपको, और क्या क्या डिटेल है इसमें? तो ये शेयर जो है 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 29 जुलाई को एंड करेगा। 275 इसकी प्राइस है, 200 शेयर्स का मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है 7 अगस्त को रिजल्ट आउट हो जाएगा कि आपको मिला कि नहीं मिला, और जो है 12 अगस्त को शेयर्स की लिस्टिंग हो जाएगी। इसमें बीच में वर्किंग जो वीकली ऑफ होगा, सैटरडे संडे को इसलिए गैप दिख रहा है। 12 अगस्त को जो है आप ओपन मार्केट में ले सकते हैं यदि अच्छा लिस्टिंग गेन आता है। तो अभी तक जो है ये आईपीओ
0.39 टाइम्स है, यहाँ आपको फील होते हुए दिख रहा है। और यदि आप यदि एनआईक्यूटी लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा एक बार एक और देख लो कि पहले देखो कि 1 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं, और सेकंड क्राइटेरिया आप देखो कि ये 5 टाइम्स फिल हो रहा है कि नहीं। 5 टाइम्स फिल हो रहा है, आप एनआई कैटेगरी में हो, आप बिट कर सकते हो, 10 बिट कर सकते हो, और नहीं तो एक कंजर्वेटिव टारगेट के लिए आप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ओपन मार्केट में आप उसको आप। ये एक मैंने पहले भी एक रोजरी का किया था, रोजरी का जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे चैनल पे जो है हमने एक रोजरी किया था, रोजरी एक हिट हुआ था, उसको मैंने पहले से बताया था। रोजरी जो है, हाँ ये रोजरी पे मैंने रिव्यू किया था, रोजरी अच्छा खासा गया था। इसमें भी जो है डिसेंट टारगेट के लिए काम कर सकते हो। आई मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, यदि आप स्टॉक मार्केट में आप नए हो और सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती है jagdish.com पे, वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे आप क्लासेस का डिटेल पढ़ सकते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल FNO क्लासेस में देता हूँ, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे ही जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है टेलीग्राम ट्विटर का, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको अकाउंट खुलाना है तो यहाँ पे जो है आपको ओपन डीमैट अकाउंट करके आप यहाँ पे ओपन अकाउंट अकाउंट कर सकते हैं। इसी तरह की दिक्कत है, सपोर्ट है आप उसे, ये हमारा नंबर है 9730702102, वहाँ पे आप पिन कर सकते हैं। ये आप स्टॉक जीरोधा डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर है, आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये हमने आपको टेलीग्राम भी बता दिया, जगदीश झा के नाम से है, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस के नाम से, वहाँ पे सारी रिकमेंडेशन मैं देते रहता हूँ लाइव मार्केट में। और ये मेरा ट्विटर का हो गया जगदीश झा पेज, आप फॉलो कर सकते हैं, और क्लासेस का रिव्यू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिव्यू मिल जाएगा। मैं सोचा कि आपको क्विक एक अपडेट देता हूँ, तो हमारे सबसे जो है आप इसमें NI कैटेगरी में है, तो आप देखो 5 टाइम्स होता है तो आप बिट कर दो, और नहीं तो आप ओपन मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एम्बेसी का अच्छा मतलब कि डिसेंट परफॉर्मेंस था लिस्टिंग गेन होने के बाद, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन इसके साथ भी है। मैं होप करूंगा कि मैंने जो आपको फीडबैक दिया आपके लिए यूजफुल होगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।